कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में सातवें दिन लश्करे तैयबा आतंकी उजेर खान मारा गया। कश्मीर पुलिस ने मंगलवार 19 सितंबर को इसकी पुष्टि की। सुरक्षा बलों ने उजेर खान का शव बरामद किया है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि उजेर के अलावा एक और बॉडी देखी गई। तीसरे आतंकी का भी शव मिलने की संभावना है। एनकाउंटर साइट पर ऑपरेशन पूरा हो गया है, सर्चिंग अभी जारी है। अनंतनाग में 13 सितंबर को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वे सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष घोचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट और दो जवान शहीद हो गए। कोकेरबाग में घने पहाड़ी जंगलों के बीच आतंकी 12 से 20 फीट गहरी गुफाओं में छिपे हुए थे, जिसके कारण ऑपरेशन में काफी मुश्किल हो रही थी। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से आतंकियों का ठिकाना खत्म किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यह अब तक का सबसे लंबा एनकाउंटर है। वहीं जम्मू कश्मीर में यह तीसरी सबसे लंबी चलने वाली मुठभेड़ है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।